Mariam? 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 तुम उठ गई? देख के इधर बैठो, आराम से बैठो। लगी तो नहीं है? नहीं। मैं नाश्ता बना के लाती। मरियम, मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं। क्या कह रही हो? मतलब जब कोई चीज टूटती है तो आवाज आती है, बड़ी चीज टूटती है तो बड़ी आवाज आती है। तुम क्या कह रही हो? क्या चीज टूट गई है? मैं अंधी हूं ना, नजर नहीं आता। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है मैंने। खैरियत है ना? तुम ठीक नहीं लग रही। काश के मैं तुम्हें देख सकती और तुम्हें बता देती कि तुम कैसी लग रही हो। क्या मतलब? मरियम, अब मैं आवाजें सुनती नहीं हूं, देखती हूं। मुझे तुम्हारी आवाज नजर आ रही है मरियम। और क्या नजर आ रहा तुम्हें मेरी आवाज में? तराड़े, जैसे कोई चीज जगह जगह से टूटी हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शायद थकान है बहुत। तुम प्लीज जैन से कहो कि मुझे मेरी अम्मी के यहां छोड़ा है। मनाल अपने आप को हर बात का जिम्मेदार समझती है। इस मोहब्बत पर उसको इतना फखर था, उसी मोहब्बत ने उसे मुजरिम बना दिया। बहुत डिस्टर्ब है वो। इतनी मुश्किलों से जबरदस्ती नींद की गोली खिला के सुलाया है। तुम जानते हो वो यहाँ क्यों आई? क्योंकि वो तुम्हारा और मरियम का सामना नहीं कर पा रही। फिर ऐसा करें, उसे कुछ दिन यहीं पे रहने दें। घर में तो कुछ दिन यही बातें होती रहेंगी। मेरे घर अब्बा जी आ गए तो वो भी बोलेंगे और मनाल मजीद सोचेगी और परेशान होगी। इससे बेहतर है कि वो इस माहौल से दूर ही रहे। लेकिन ज़ैन, वो कुछ और ना सोचना शुरू कर दे। मैं उसे कुछ और सोचने नहीं दूंगा। रोज मिलने आया करूंगा। मैं मनाल के पास बैठ सकता हूँ कुछ देर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। ज़ैन, मुझे मरियम से अगर मिलना हो तो आ जाओ। अपने घर जाने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। थैंक्स। चलो उठो, शाबाश, चलो चले। नहीं आंटी, मुझे कुछ देर रो लेने दीजिए। चलो थोड़ी देर और रो लो, बस उसके बाद अगर और बादल आ गए तो। मेरी मोहब्बत ने ज़ैन के घर को बर्बाद कर दिया। ये तुमने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया? झूठ नहीं है, ये सच है। मैं तो जब मेरी आंखें सलामत थी तब भी माजूर थी, उसके ऊपर बोझ बनकर गिर गई हूं मैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली लड़की खुद को माजूर समझ रही है। बहुत अफसोस हुआ मनाल, तो इस मनाल को जानती नहीं हूं। पता नहीं तुम कौन हो। अगर ये बात है तो फिर मैं चलती। आंटी कहाँ जा रही हैं आप, प्लीज मत जाएं। ज़ैन को पता चलेगा तो वो खुद को कितना कमजोर महसूस करेगा। वो तो हमेशा से बहादुर था,
ये मोहब्बत तो उसे कमजोर कर रही है, दीमक बन गई है। मोहब्बत को इल्जाम मत दो, बुरा मान जाएगी। थोड़ी देर बाद ही तुम्हें मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी। तुम आवाज देती रहोगी लेकिन वो जवाब नहीं देगी। चलो उठो शाबाश, उठो, तैयार हो जाओ, फिर हमें चलना है। अफीरा बेटा, इसका मुंह हाथ धुलवा दो, कपड़े चेंज करवा दो, बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे। जी हाँ जी। मनाल को भी तलाक हो गई? खुदा ना करे, ऐसे ही शुरू होता है। पहले रोते हैं, फिर समझते हैं। वो तो इसलिए रोती है कि आप उससे बात ही नहीं करती हैं। वो इसलिए रोती है, उसको नजर नहीं आता। और मैं इसलिए चुप हूं कि मैं सब कुछ देख सकती हूं। संभल के ले जी, आपकी रोती पीटती दोस्त अब तो नहीं लग रही ना? नॉट एट ऑल। मत रो, जब रोने का वक्त होगा तो आंसू सूख जाएंगे, फिर लोग कहेंगे झूठ बोल रही है। लोगों को कहने दे जो कहना, झूठ है तो झूठ ही सही। चले मनार। अम्मा ले, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, पानी लेके आ रही हूं मैं। हाँ जी, आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? तुम्हें मुझ पे शक है? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम अब वैसे नहीं भूलने लगी हो। क्यों? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि आप वलीमे पे क्यों नहीं आई। हाँ, वो तो मुझे लड़ना था आपसे। अब नहीं, ना तुमने पूछा और ना जैन ने। जैन? जैन यहाँ कहाँ? ये जैन के फोन की आवाज थी। नहीं नहीं, ये मेरे सेलफोन की आवाज थी। एक्चुअली मैंने आज सुबह ही टोन चेंज की है, तो मैं भी हर चीज में ना जैन ही नजर आता है। चलो आओ चले। सैन, आई थिंक तुम्हें नहीं जाना चाहिए साथ। लेकिन क्यों? मिनाल को ऑलरेडी शक हो चुका है और मैं उसको सिर्फ डॉक्टर तक लेके जा रही हूँ। जैसे फारिग होंगी तो मैं कांटेक्ट कर लूंगी। डोंट वरी, ओके, आई विल बी बैक। शदीद डिप्रेशन है,
बहुत ही अब्रप्ट किस्म के इमोशंस हैं टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड। पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बच्ची थी डॉक्टर। देखिए वजह तो बहुत ऑब्वियस है, फिजिकल डिसेबिलिटी ने उसे अपनी ही नजरों में काबिल रहम बना दिया है और मोहब्बत के बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लगी है। अभी कैसे निकलेगी इस कंडीशन से बाहर? डॉक्टर्स तो उसके विजन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कब आएगी वापस, आएगी भी या नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आज मैं आपको मेडिसिन तो दे देती हूँ, लेकिन आप लोगों को इसे बिजी रखना होगा हर वक्त। जो नेगेटिविटी इसके अंदर जा चुकी है उसे निकालना होगा। और मुझे उसको कब कब आपके पास लाना होगा? शुरू में तो आप उसे हर दूसरे दिन ले आइए। आज तो मैं सिर्फ उसकी दोस्त बनी हूँ, पेशेंट का कॉन्फिडेंस हासिल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसकी हमें बहुत केयर करनी पड़ेगी डॉक्टर, बहुत मुश्किल से इसने अपनी मोहब्बत पाई है, कहीं उसे फिर से ना खो दे। देखिए कोशिश तो हम सब करेंगे, लेकिन आपकी मनाल जैन के अलावा किसी पे ट्रस्ट तो नहीं करती ना? आई नो। उस्मा ने मुझे बताया कि तुम इनकी बड़ी अच्छी सी दोस्त बन गई हो। जी, लेकिन पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। क्या ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ? अच्छा चलो, लेट्स सपोज सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तो अब अगर इंसान पानी में हाथ डाले और कहे कि हाथ गीले ना हो, जमीन पे चले और कहे कि पांव गंदे क्यों हो रहे? देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। देखो मनाल, जाना तुम्हें आगे है और तुम अभी भी पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हो। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। आओ मनाल। ओके। आज मुझे तुम्हारा वो मोबाइल याद आ गया। कौन सा मोबाइल? वही जो स्नैचर्स ने छीन लिया था, याद है? शायद उसी दिन तो मुझे मिली थी। वो अचानक से कैसे याद आ गया आपको? मैं तो भूल ही गई थी। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मनाल, जब मंजिल मिल जाए ना तो रास्ते की थकन, सफर के फायदे नुकसान सब भूल जाते हैं। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब भी एक दिन उसी मोबाइल की तरह से हो जाएगा। बस तुम अपनी मंजिल का हाथ पकड़ो और अगली मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। इस वक्त को जल्दी से माजी कर दो। जैन, क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? शदीद डिप्रेशन है। आपने मुझे उसे मिलने से क्यों रोका? जैन वो खुद को तुम्हारा मुजरिम समझ रही है, मरियम की तलाक की वजह समझ रही है खुद को। तुम सामने होगे तो हर वक्त ये एहसास उसके सामने होगा। उसे खुद कोशिश करने दो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। और देखो अगर वो रोए तो उसे रोने देना, चुप मत करवाना। रेनबो से पहले बारिश बहुत जरूरी होती है। टेक केयर। खुदा हाफिज़।
अब्बा जी आप मरियम क्या हुआ सब ठीक तो है अब भी क्यों आए हो जाओ घूमो फिरो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जाओ तेरी बहन के साथ मौत से भी बड़ा हादसा हो गया और तू इसे घर में अकेला छोड़कर निकल गया कैसे अब्बा जी प्लीज तू चुप कर मरियम चुप कर आज ये बता के रहेगा कि जब इसे सब कुछ पता था तो इसे तो इस वक्त तेरे साथ यहाँ होना चाहिए था ये इज्जत कहीं और क्यों था अब्बा जी ऐसा ना कहे जैन को मैंने अपनी कसम दी थी किसी को कुछ ना बताए क्यों ना कहूं इसे और क्यों ना कहूं इसे सब कुछ इसे मैंने 100 दफा समझाया डराया धमकाया है मगर इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी करके रहा अपनी मर्जी अंधेरे में निकाल पढ़वा लिया ना तुम दोनों ने अब्बा जी भाई का कोई कसूर नहीं है तो फिर किसका कसूर है मेरा कि तेरा जब तक इसने ये कदम नहीं उठाया था इरफान साहब ने भी कोई हरकत नहीं की थी कुछ नहीं किया था इसने अंधेरे में निकाह पढ़ा लिया उसने तुम्हें तलाक दिलवाकर तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और ये अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके घूमता फिर रहा है बहन को घर में अकेला छोड़कर बताओ मुझे अगर ये खुदकशी कर लेती तो मैं कहां से इसे वापस लाता अपनी बेटी को बताओ मुझे तुम अभी चले जाओ अब्बा जी छोड़ें तुम अभी क्या करें अब्बा जी इसी घर में मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए अब्बा जी अल्लाह का वास्ता मैं पता नहीं क्या कुछ कर बैठूंगा जाओ यहां से अब्बा जी खबरदार कभी घर में दोबारा कदम रखा अगर ये खुदकशी कर लेती तो मैं कहां से इसे वापस लाता अपनी बेटी को अंधेरे में निकाह पढ़ा लिया उसने तुम्हें तलाक दिलवाकर तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और ये अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके घूमता फिर रहा है जैन, अब यहां क्यों बैठे हो नीचे चलो तुमसे कैसे माफी मांगू क्या हो गया है अब्बा जी ने जो कुछ कहा गुस्से में कहा है एक बाप होकर वो और क्या कह सकते हैं जो भी है बात तो उनकी सही है जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार ना तुम हो और ना मनाल मनाल को तो जब से पता चला है तो रोए जा रही है चीज का कसूरवार खुद को समझती है वो अंदाजा था मुझे इसलिए बात छुपाई राबिया आंटी उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके गई थी वो क्यों लेके गई तुम क्यों नहीं लेके गए उसे नहीं मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है हम दोनों को वैसे फेस नहीं करना चाहती हूँ मैं ले आऊं उसे नहीं तुम अब्बा जी के पास ही रहो अब्बा जी बहुत डिस्टर्ब्ड है ख्याल रखो उनका अच्छा नीचे चलो अब्बा जी से बात करो उन्हें मनाओ नहीं मरियम मैं अब्बा जी की वजह से तो ऊपर आया हूँ वो देखेंगे मुझे बिला वजह परेशान हो जाएंगे और गुस्से में आ जाएंगे
राबे आंटी का फोन आ रहा था, अब्बा जी के साथ, इसलिए कॉल अटेंड नहीं की। तुम उन्हें कॉल कर लेना। अच्छा तुम जाओ ना, अब्बा जी कहीं ओपन आ जाए। ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी नीचे आ जाना। मनाल देखो रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। 2 बज रहे हैं तो क्या हो गया? तुम मुझे रिक्शा दिलवा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज मनाल, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अच्छा अच्छा देखो, सुबह सुबह मैं खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगी जैन के पास, ठीक है? नहीं, मुझे अभी जाना है। मनाल प्लीज सुबह तक इंतजार कर लो। मेरी सुबह नहीं होगी ऐसे, मनाल भी जाना है। संभल के, क्या हो गया तुम्हें? सफीरा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अभी ले चलो जैन के पास। ठीक ओके, तुम ऐसा करो, हम जैन को फोन करते हैं, आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ, हम जैन को फोन करते हैं और जैन को बुलवाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तुम यहाँ बेड पे बैठो, ये बैठो, संभल के संभल के। सफीरा प्लीज मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, इरफान मत जैन को छीन ना ले। प्लीज प्लीज मुझे ले चलो सफीरा। मैं कर रही हूँ जैन को फोन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अफीरा प्लीज मुझे जाना दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर मैं माजूर नहीं होती ना, मैं खुद चली जाती। प्लीज मुझे रिक्शा दिलवा दो अफीरा, प्लीज मुझे जैन के पास जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी अभी ले चलती हूं। आओ आओ चले, हम अभी जा रहे हैं, अभी चलते हैं। सब आके कौन है? अब्बा जी मैं हूं मनाल। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें और कोई वक्त नहीं मिला था बेटा? ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, रो रही थी, बहुत अपसेट थी, मुझे उसको यहाँ लाना पड़ा। शरीफों के घर ना इस वक्त जाते हैं ना वो इस वक्त घरों से निकलते हैं। अब्बा जी मैं माफी चाहती हूँ आपसे। जैन, तुम इस वक्त क्या बात है? एक मिनट, मैंने मनाल से बात करनी है अकेले में। अब्बा जी जो भी बात करनी है आप सुबह कर लीजिएगा, अभी आराम कीजिए। कौन सा आराम, हो गया जितना आराम होना था। अब मैं चलती हूँ। अफीरा अभी बहुत रात हो गई है, दिन की रोशनी में वापस चली जाना, चलो। नहीं नहीं इट्स ओके, वैसे भी नीचे रिक्शे वाला इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, जैन उसे भिजवा देगा। जैन जाओ। मनाल चलो। नहीं अब्बा जी कहाँ है? मुझे अब्बा जी से बात करनी है। अब वो यही है। अब्बा जी आप मुझसे नाराज हैं? देख लिया तुम दोनों ने अपनी मर्जी का अंजाम, मेरी मरियम का घर उजड़ गया और फिर उस पर ये कि इस हालत में उसको अकेली छोड़कर चली गई तुम भी और वो जैन भी। अब्बा जी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये तो वो गुनाह है जिसका कोई कफारा भी मुमकिन नहीं है। अगर मैं तुम्हारी और जैन की शादी को कबूल ना करता तो मैं कभी ना आता, मगर मैं आया, कबूल किया, वलीमा किया तुम्हारा, ताकि तुम्हारा इत्माद बने,
लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? मरियम को वलीमे वाले दिन ही पता चल गया था कि उसे तलाक हो गई है। उसे सबसे छुपाया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अब्बा जी, मैं बेबस हूं, मैं कैसे वक्त के पीछे जाकर ये सब कुछ बदल दूं? मनाल, अब्बा जी ने कुछ कहा क्या? उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है जैन। मैं मरियम से कैसे माफी मांगूंगी, कैसे उसका बदला लूंगी? मनाल, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने। तो और किसका है? पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की मैंने, एक माजूर बनकर तुम पर बोझ बन गई, और अब मरियम को मेरी वजह से। मनाल प्लीज बस कर दो। अगर तुम्हें खुद को ब्लेम करके सुकून मिल रहा है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात समझ लो, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे ना तुम मैं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम मेरे और अपने साथ कर रही हो उसे तुम रोक सकती हो, वरना हम सारी उम्र सिर्फ नुकसान गिनते रहेंगे। इरफान जैसों का कोई भी वार आखिरी नहीं होता। दूसरों को अजियत देना उनकी मसरूफियत होती है। मगर अफीरा, ये सब किस लिए? तुम तो जानती हो जैन, जैन ने अब जाके कहीं मनाल की मोहब्बत को एक्सेप्ट किया है, और फिर इरफान की दुश्मनी तो मनाल से थी ना। मनाल ने अपनी मर्जी की इरफान की मर्जी के खिलाफ, और इरफान का सोचना है कि हम उसके टुकड़ों पर पलते हैं, लिहाजा हमारी अपनी ना कोई आवाज होनी चाहिए ना ही कोई अपनी मर्जी। इसीलिए जो बदला वो मनाल से नहीं ले सका, हमसे ले लिया उसने। बदला उसने हम सबसे लिया है, और वो रुकेगा नहीं। इस तरह के लोग अपनी नफरतें और दुश्मनियां विरासत में छोड़कर जाते हैं। अजीब है ना, वैसे हम एक दूसरे के मुजरिम भी हैं और हमदर्द भी, कातिल भी और सोगवार भी। मैं नहीं छोड़ूंगी इरफान को, उसके अलावा हमारे पास था ही क्या जो वो हमसे छीन चुका है। मुझे तो डर लगता है कहीं अब अगला टारगेट मिनाल और जैन ना हो। मैंने भी कहा था जैन से कि अब वो केयरफुल रहे। नहीं बेटा, अहमदीन वो अब किस लिए आया? सिर्फ ये पूछने कि मेरी बेटी का क्या कसूर था। बड़ी बड़ी जल्दी आ गया, थोड़ा सबर कर लेता, वो अभी तो कहानी शुरू हुई है, एंड पे आके सारी पूछ लेता। इरफान साहब जी, ये ना समझना कि जुल्म का हिसाब नहीं होगा, होगा और अल्लाह लेगा, याद रखना ना। अब तू धमकियों पे उतर आया। हाँ भाई, अब तू दे सकता है धमकियां, अब पुलिस वाले तेरे जाती दोस्तों में जो शामिल हो गए हैं। पर एक काम किया कर अहमदीन, अपने दुख मुझसे जरा छुपा के रखा कर,
वो क्या है कि जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है थोड़े कम है, तो मैं एक अद्धा बता देता हूँ और उसे बढ़ाना अपना फर्ज समझता हूँ। समझ आई? चल। ये लें बुजुर्गो। मेहरबानी। वो एक छोटी सी दरख्वास्त थी बेटा। बेटा भी कहते हैं बुजुर्गो और बात मिनतों की तरह। आप हुक्म करें। जीते रहो बेटा। देखो बेटा, अब इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा भला, कि वो इरफान तो रुक ही नहीं रहा। रुकेगा बुजुर्गो, रुकेगा, बल्कि उसकी ब्रेकों पर हम पांव रखेंगे और बल्कि वो स्पीड वाला पैडल ही निकाल देंगे। वो कहते हैं ना कि ना होगा पैडल ना लगेगी स्पीड। बस मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ आपके पास चला आया। आपने बहुत अच्छा किया। आपकी दुआ से हम उसको दुखों और गमों से रजा देंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरा और मेरे खानदान का पीछा छोड़ दे बस। बुजुर्गो, पीछा तो वो अब भी करेगा। जी, माफी मांगने के लिए आपसे। मैं इतने अरसे से जो चुप बैठा हुआ हूँ, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। ये देखें, ये है वो इजाजतनामा जो हमने महकमे से लिया उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पक्के सबूतों के साथ। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसके हाथों का नाप कहीं तो खत्म होता होगा ना बुजुर्गो। कानून से लंबे हाथ नहीं हो सकते उसके। अब आप देखिए कानून का कमाल। कैसे हैं इरफान साईं? वो तुम्हारी जुरत कैसे हुई अंदर आने की? बड़ा बदतमीज हूं मैं, है ना? क्या है कि बचपन से तमीज नहीं सीखी, इसीलिए पुलिस में भर्ती हो गया। अपनी ज़बान और लहजे को संभाल के बात कर। हमारी ज़बान तो दफात की ज़बान है और वो हम तुम्हें थाने में सुनाएंगे। ओए, गिरफ्तार करो इसे। क्या चांट? शोएब को फोन करके बता। अभी बेफिक्र हो जाओ, हम खुद ही पूरी दुनिया को बता देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तू फोन लगा, चल ऐसे चो। अच्छा बात सुन, शोएब को बिल्कुल फोन ना करी, समझा? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ कि शोएब को फोन करता, इसीलिए तो तुझे पहले फोन किया है। गुड हो गया। अच्छा मुझे बता, कोई पिक्चर वगैरह ली तूने? वाह वाह, यानी कि जिस वक्त पुलिस इरफान साहब को लेके जा रही थी तो मैं उन्हें रोक के कहता कि स्माइल प्लीज, कैन आई हैव अ सेल्फी? पागल हो गए यार, ये तो रमा देखने वाला था। लेकिन एक बात है जगह, मुझे लगता नहीं है कि इरफान साहब ज्यादा देर जेल में टिकेगा। ऐसी बातें ना कर यार, ऐसे जो कादर ने हाथ डाला है उस पे, बहुत बहादुर ऑफिसर है वो। तो ये कौन सा नॉर्मल है भाई, ये उससे बड़ा पागल है। खैर अच्छा है, पागल को मिले पागल कर कर लंबे हाथ। तुझे मिलता हूँ मैं शाम को, अभी ऑफिस में हूँ, ये ना हो कि कोई मेरी बातें सुन ले तो। है ना? चल सही है, ओके। वैसे मजा बड़ा है, चल ओके बाय। जैन, क्या हुआ है? इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? मनाल तुमने सुना नहीं? इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थैंक गॉड। पुलिस को तो मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मनाल तुम कैसी बातें कर रही हो? एक शख्स जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो फाइनली अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, तुम पता नहीं क्या बोली जा रही हो।
इरफान की गिरफ्तारी से क्या मरियम और अफीरा की तलाक वापस हो जाएगी? मेरी आंखें, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ वापस मिल जाएगा। ठीक है तो चलो फिर चल के उसकी जमानत करवा देते। चलो ज़ैन, तुम मनाल से क्यों लड़ रहे? इसकी बात भी तो सुनो ना। मैं पेश करना चाहती हूँ अपने आप को गिरफ्तारी के लिए। असल मुजरिम तो मैं हूँ। मुझे ले चलो पुलिस स्टेशन ज़ैन। मनाल, ज़ैन चला गया। मनाल, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? ऐसी बातें मत सोचा करो, आराम करो।